ले सकते हैं। ये देखें, ये फ़ोटो उठाने के लिए, ये देखें वो जज्बा आप में देखिएगा जब आप ये उठाओगे और ये यूनिफॉर्म लगाओगे। ये देखें पीछे हेलमेट है, ये देखें एक सोल्जर को पहना रहता है, इसका वेट बहुत। ये देखें उमर ने क्या पहना, ये इतना भारी है ना लिटरली ये, लेकिन आपने उल्टा पहना शायद। अगर वहाँ से आवाज़ आती है तो वो आवाज़ भी आप सुन सकते हो, तो इतनी यहाँ पे क्लोजनेस है। ये देखें, ये पुराने वक्त की कुर्सी थी, ये देखें कुर्सी 110 years ओल्ड। ये देखें 110 years, यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये हो गया हुक्का, ये क्या है, ये स्टोन है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये एक जबान में यूज़ होता है। ये देखें तो ये वही है, ये मतलब ये आप देख सकते हैं कितना पुराना है यहाँ पे। ये देखें, ये नोट है, ये देखें, ये देखें, उस टाइम जब दुल्हन सजती थी तो ऐसा कुछ होता करता था। ये देखें तो जी गाइस, ये देखें ये फेंसिंग है, यहाँ से ये नीचे पाकिस्तान का है। ये देखें मतलब उस नदी के पार, ये इतनी यहाँ पर इतनी फेंसिंग है जो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जो है ना दरिया जहलम मिलता है, और आगे जाके मुजफ्फराबाद में किशनगंगा जो है ना वो मिलती है। ये अभी पाकिस्तान में ये टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हो ये है इंडिया का टाइम। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे और अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने पहला एपिसोड देख लिया हम कहाँ पे हैं, तो अभी हम कमान पोस्ट पे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरे पीछे। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ हो गई है। ये देखें कुछ ऐसा व्यू है जैसे आप यहाँ पे आते हो। ये देखें वाह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अभी हम अपने वाले साइड से हैं, तो ये देखें ये है पाकिस्तान वाला साइड। ये देखें थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखें। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये देखें, तो ये साइड जो है ना ये पाकिस्तान का साइड है ये वाला। ये देखें बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आकर। ये देखें, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। हाय छोटू, हाय, आप कहाँ से हो? बड़गाम से। बड़गाम से आप बड़गाम से आए यहाँ पे? ओके, कैसा लगा यहाँ पे आकर आपको? अच्छा लगा, अच्छा। ओके, तो ये जो है ये जो पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पे स्कूल वाले, तो ये बड़गाम से है। ये देखें एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं। ये देखें, मना है, यहाँ पे मना किया गया है स्टैचू को टच ना करें। ये देखें, जी गाइज़, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइज़, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे, तो जैसे कि आपने देखा है कितने LOC के करीब थे, वहाँ से पाकिस्तान का साइड था, यहाँ से अपना वाला साइड था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बारामूला यहाँ से पड़ता है 55 किलोमीटर। अभी टाइम हुआ है, तो टाइम हुआ है 1:40। तो गाइज़, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, यहाँ पर आपको फ़ोन नहीं चलेगा। तो ये देखें मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखें वाह। ये देखें यहाँ पे दूसरा वाला गेट है, ये देखें। तो अभी हम चलते हैं वापस, तो देखते हैं हमें कहाँ जाना होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ सकते हो श्रीनगर बारामूला उड़ी, ये देखें ये था रेस्ट हाउस। यहाँ पे आपको अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हो, नमाज़ अदा कर सकते हो। यहाँ पे है टॉयलेट वगैरह, ये देखें। हम देखते हैं अंदर क्या है। ये देखें, हाँ अरे यहाँ से, ये देखें, अच्छा वॉशरूम है, हाँ पीछे ना वॉशरूम सालिका की नाट। ये देखें, देखें ये देखें सालिका के क्या देख रही है इनको, अंदर कुछ इस तरह सा है। ये देखें गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें वॉच लगी हुई है। तो इसमें डिफरेंट टाइम क्यों है?
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये देखें, ये अभी पाकिस्तान में ये टाइम है, जैसा कि आप देख सकते हो ये है इंडिया का टाइम। यहाँ पे सवा अभी वहाँ पे पौने दो जी। हाँ जी, ये देखें परफेक्ट टाइम यही है ना। यहाँ से देखें ले सकते हैं, ये देखें, ये फ़ोटो उठाने के लिए, ये देखें, ये देखें। हाँ ये क्या है, ये देखें ये नकली है। हाँ ये देखें ज़रा, ये भी ये देखें, ये शायद बुलेट प्रूफ है ना। तो गाइस ये उठा रहा है, ये देखिए इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ये देखिए लिटरली मैं उठा नहीं पा रहा हूँ तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक सोल्जर इतना वेट लगा के चलता है कि बहुत ज़्यादा वेट है इसमें और ये देखें कुछ ऐसा है ये देखिए दूसरी वाली है ये देखें मारो भाई। ये आपने देख लिया, ये देखें यहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं, ये देखें फ़ोटो शूट पॉइंट है ये, ये देखें। ये पहले बंद करना, ये गिर जाएगा। हाँ ये देखें, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए मैं फ़ोटो उठाऊँ। देखा देख, तो जी गाइस ये देखें ये फेंसिंग है, यहाँ से ये नीचे पाकिस्तान का है, ये देखें मतलब उस नदी के पार, ये इतनी यहाँ पे इतनी फेंसिंग है जो आप देख सकते हो। ये देखें ये जो है ना दरिया जहलम मिलता है, और आगे जाके मुजफ्फराबाद में किशनगंगा जो है ना वो मिलती है, क्योंकि कैरन वैली का किशनगंगा है ना, जो जब हम कैरन वैली गई थी वो नदी है ना वो मुजफ्फराबाद में मिलती है, और ये जहलम का पानी भी। हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है अंदर पे, तो ये देखें यहाँ पे शायद पहले चेकिंग हुआ करती थी, ये देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी गाइस ये आपने देख लिया यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखें ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे क्या रही है भाई साहब, कुर्सी थी, ये देखें कुर्सी 110 ईयर्स ओल्ड, ये देखें 110 ईयर्स ओल्ड, ये देखो क्या बोलते हैं वुडन, तबाह तबाह, ये वुड की है, मदानी बोलते हैं ये वुड की है, हाँ जिसमें दूर भी ये करते हैं, चूड़ियाँ होती है, ये देखें यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये क्या है, ये स्टोन है, ये देखें इसमें स्टोन है, ये देखें ये कश्मीरी वो मतलब होता है ना वो वाजवान में यूज़ होता है, ये देखें तो ये वही है, ये मतलब ये आप देख सकते हैं कितना पुराना है यहाँ पर, ये देखें ये नोट है, ये देखें 100 ईयर्स ओल्ड, ये देखें इसमें, ये देखें पहले के सिक्के, देखिए इंडियन रुपीस, ये देखें उस टाइम जब दुल्हन सजती थी तो ऐसा कुछ होता करता था, ये देखें ये स्किन, ये एनिमल स्किन है, ये देखें वाओ, इसको टच नहीं करना, लगाने का वो जब मना किया ना, ये देखें ये चप्पल है, चप्पल है पुराने जमाने की, ये देखें खराब बोलते थे, खराब वुडन स्लीपर, वुडन की थी, ये देखें ये वो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये 100 ईयर्स ओल्ड जो मटेरियल यूज़ हुआ करता था ये उस ज़माने का है, ये देखें जैसे कि आपने देख लिया वहाँ पे, ये देखें वाओ, यहाँ पे आप ज़रूर आना, तो यहाँ पे स्क्रीन पे चलती रहती है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें
देखें इससे, ये देखें ये तलवार है, ये देखें 83 ईयर्स ओल्ड है, ये देखें, ये देखें, और यहाँ पे ऊंचा को जैसा होता था, ये देखें। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मारखोर जो है ना उसकी ये है चमड़ी, ये देखिए सींग लगा के। यहाँ पे आपने देख लिया कैसा क्या था, तो म्यूज़ियम भी आपने देख लिया, वहाँ पे भी आपने देख लिया, तो अब यहाँ से चलते हैं, तो चलिए चलते हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या, आगे का सफ़र कैसा रहेगा। से आपको दरिया जहलम जो बहता है उसका शोर आएगा, तो आप फ्रेश फील करोगे यहाँ पे आकर, तो फ्रेश एयर आप फील कर सकते हो यहाँ पे। ये देखें नीचे, ये देखें ये दरिया जहलम है, ये देखें ये वही नदी है, देखें यहाँ पे पता नहीं चलता है ये पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है यहाँ पे, ये देखें। गाइस जहाँ पे हम हैं इसको बोलते हैं जीआर पोस्ट, ये जो है ना जीआर, इसको बोलते हैं जीआर पोस्ट, ऐसा ही कुछ नाम है, तो कन्फर्म मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे इतनी ठंडी है ना, खुद इमेजिन करो हम कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से पूरे बादल दिखते हैं और पहाड़ पूरे दिखते हैं यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है टीवी टावर, तो इसको बोलते हैं टीवी टावर या रेडियो स्टेशन, तो ये देखें जी गाइज़, ये देखें यहाँ पे गाड़ी भी पार्क की है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप वहाँ ऊपर जाने के लिए आपको पास बनाना पड़ता है। अगर हम अंदर की बात करें, अंदर कुछ ऐसा है, अंदर कुछ ऐसा है, ये देखें, तो ये है टीवी स्टेशन, ये देखें गाइज़, देखते हैं अगर कहीं और भी जाना होगा तो आपको दिखाएंगे, तो वरना इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आप ये दोनों एपिसोड पसंद आए होंगे, तो गाइज़ हाँ इस व्लॉग फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।